thought that you should know. I've been going solo. Want my love, baby, earn it. Yeah. Dancing on my own. See if you can follow. Got me feeling alive. हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे और हम लोग भी बढ़िया हैं. और आज संडे है, बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है, साथ में बारिश हो गई है, तो मौसम तो मतलब दुगना अच्छा हो गया है. मतलब एक मौसम बहुत सुहाना हो गया है और बहुत अच्छा लग रहा है. गर्मी से थोड़ी राहत मिली क्योंकि काफ़ी दिनों बाद क्या है बारिश हुई है और बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है. और साथ में क्या है, घर पर सब हों तो मज़ा कुछ और ही हो जाता है कि एक मौसम अच्छा और पूरी फैमिली एक साथ कुछ खाए बैठ के, तो उसका मज़ा ही कुछ और हो जाता है. तो आज फैमिली की डिमांड पे कुछ मैंने अलग सा बनाया है, बच्चों की डिमांड है तो उसमें मैं कुछ डिफरेंट सा बनाने जा रही हूँ, कुछ जैसे कि फास्ट फूड टाइप बनाने जा रही हूँ कुछ. तो मैंने कहा चलो बनाते हैं और साथ में आपके लिए भी वीडियो बना देती हूँ. और जो हमारा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. और बनाते हैं क्या वो मैं आपको दिखाऊँगी, ठीक है? तो वीडियो को पूरा देखना है आपने. चलिए बनाते हैं फिर आप. और फ्रेंड्स, सबसे पहले बर्गर बनाने के लिए हमें चाहिए आलू की जरूरत चाहिए. देखिए आलू चाहिए हमें, तो ये बॉयल हुए आलू हैं, उबले हुए आलू हैं. मैंने इनका छिलका उतार दिया है और अब इनको हम मैश करेंगे. और थोड़ा सा मैंने इसमें हरा धनिया मिक्स कर दिया है. तो अब इसमें डालेंगे हम मसाले. तो मैंने डाल देती हूँ नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग. और ये है धनिया पाउडर और ये जीरा पाउडर डाल दिया मैंने. और इसमें डाल देंगे हम कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ी डाल देंगे हल्दी. और इसको अच्छे से हम क्या करेंगे, मैश कर लेंगे. इसको अच्छे से मैश करना है हमने. और फ्रेंड्स, मैंने आलू मैश कर लिए हैं टिक्की बनाने के लिए. और अब इसमें क्या करेंगे, हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर मिक्स करेंगे. तो मैंने ये एक चम्मच डाल दिया. तो पहले मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ, फिर देखते हैं इसको कितनी ज़रूरत पड़ती है, ताकि इसका एक अच्छा सा डो बन जाएगा फिर इसमें और टिक्की की जो शेप है वो अच्छे से बन जाएगी, टूटेगी नहीं. इसमें थोड़ा आधा चम्मच और मिक्स कर देंगे हम. तो इसमें आधा चम्मच और मैंने कॉर्नफ्लोर मिक्स कर दिया है, तो मतलब कि डेढ़ चम्मच मैंने इसमें डाला है. अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसमें मैदा भी मिक्स कर सकते हो. और अब इसको हम शेप दे देंगे टिक्की की. तो आप टिक्की अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, आपने बड़ी बनानी है कि छोटी बनानी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये गोला बना लेना. और अब ये मैंने देखिए ये ब्रेड है, ये ब्रेड क्रम्स है, तो मैंने ब्रेड को मैंने मिक्सी में थोड़ा बहुत चला लिया था तो ये इसका पाउडर सा बन गया है. तो ये ब्रेड क्रम्स है तो इसको हम इसमें लगा लेंगे, ताकि जो हमारी टिक्की है वो बहुत अच्छी क्रिस्पी बनेगी और खाने में बहुत मज़ा आएगा. जैसे कि आपने मैकडोनल्ड्स में देखा होगा ना, बर्गर के अंदर टिक्की होती है, तो इसी तरह से बनाते हैं. और इसी तरह से मैं और सेब भी बना लूँगी. फ्रेंड्स, अब हम टिक्की फ्राई करेंगे, तो उसके लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है और उसके अंदर डाल दिया है तेल. और अब हम डालेंगे टिक्कियाँ, इसके अंदर डालेंगे, तेल गर्म हो चुका है.
और इसको पलट लेंगे हम। और इसके अंदर मैं और डाल देती हूँ ताकि ये फ्राई होते रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, टिक्की हमारी फ्राई हो चुकी है। ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है। और अब हम बनाएंगे चटनी। चटनी के लिए मैं ले लेती हूँ जार। और ये चटनी भी थोड़ा अलग तरीके की होगी, हरी चटनी बना रही हूँ मैं, तो उसमें मैंने पुदीना डाल दिया है। और ये एक है, ये मेरवा के पत्ते होते हैं जो पहाड़ों में मिलते हैं, वैसे मैंने घर पे भी उगा रखे हैं और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इसकी, उसकी चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। ये भी मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। उसमें डाल देंगे हम हरी मिर्च, मैं चार हरी मिर्च दे रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख लेना। और उसमें टमाटर डाल देती हूँ, थोड़ा सा प्याज, ये मैंने कट करके रखा था पहले से, तो अब इसको हम पीस लेंगे। और फ्रेंड्स, चटनी तो तैयार हो चुकी है और मैं इसको निकाल देती हूँ। चटनी की जो खुशबू है ना, वो मैं बता नहीं सकती आपको, कितनी ज़्यादा अच्छी महक आ रही है इसमें। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। और फ्रेंड्स, मैंने अब इसके ऊपर नॉनस्टिक तवा रख दिया गैस के ऊपर, और इसमें थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ बटर। और अब इसमें हम क्या करेंगे, ये बन को सेक लेंगे। गैस को थोड़ा मैं सिम कर दूंगी। फ्रेंड्स, मैंने ले लिए बन जो सेक रखे थे मैंने, और इनमें लगा देंगे हम मेयोनीज। अच्छे से लगाना है हमने इसको, स्प्रेड करना है। और इसके बाद हम लगा लेंगे, ये पिज़्ज़ा सॉस है, आप टमाटर सॉस का इस्तेमाल भी कर सकते हो। पिज़्ज़ा सॉस काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है और इससे बर्गर और भी ज़्यादा टेस्टी बन जाएगा। और अब इसमें डाल देंगे हम हरी चटनी जो मैंने बनाई थी। चटनी को आप ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही ज़्यादा मतलब टेस्टी होती है और इसमें इतनी अच्छी खुशबू आती है ना, मतलब कि अब मैं बता नहीं सकती आपको, इतनी ज़्यादा इसकी महक आ रही है ना कि मन कर रहा है कि अभी ही खा लें इसको। और अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, टिक्की रख लेंगे। ये देखिए कितनी बड़ी टिक्की है। और इसके ऊपर रख देंगे हम प्याज, इसमें डाल देती हूँ मैं थोड़ा सा चाट मसाला। इसमें रख देंगे हम टमाटो एक और एक कुकुम्बर, और इसके ऊपर भी हम डाल देंगे चाट मसाला।
Say, what will you do with your life? You know it's hard to survive. A cigar in my mouth. Maybe guilty but proud. Now I'm an outlaw on the run. और फ्रेंड्स हम तैयार करेंगे इसके साथ कोल्ड कॉफ़ी। तो कोल्ड कॉफ़ी बनाने के लिए मैं इसमें डाल देती हूँ चीनी। मैं कम से कम 4 चम्मच चीनी डाल देती हूँ इसमें। और इसमें डाल देंगे हम कॉफ़ी। कॉफ़ी डाल देती हूँ इसमें लगभग 2 चम्मच। और इसमें डाल देंगे हम थोड़ी सी आइस। तो ये आइस क्यूब्स डाल देती हूँ इसमें। चलाना कैसे है, थोड़ा थोड़ा रुक रुक के चलाना है और इसके एक अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। देखिए इसको मैंने मिक्सी में चला लिया और इसका ऐसा पेस्ट बन चुका है। देखिए ये मैंने ग्लास ले लिया है और उसमें डाल दिया मैंने चॉकलेट सिरप। ये देखिए इसमें डाल देंगे इसको कॉफ़ी और चीनी का जो पेस्ट बनाया हमने। और इसमें डाल देंगे हम दूध, ठंडा दूध डाल देंगे। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। कॉफ़ी भी रेडी हो चुकी है। ये देखिए हमारी कोल्ड कॉफ़ी। सो फ्रेंड्स आज तो मज़ा ही आ जाएगा। आज में हमारा फेवरेट बर्गर और कोल्ड कॉफ़ी जो मम्मी ने बनाई है, मतलब बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। मतलब खाने में भी अच्छा होगा, देखने में लग ही रहा है, आप लोगों को भी लग रहा होगा, मतलब बहुत ही टेस्टी होगा। एंड अब हम इसको खाएंगे एंड फिर आपको रिव्यूज़ देंगे। और फ्रेंड्स अब जिज्ञासा लगी है बर्गर खाने पे। तो जिज्ञासा कैसा हो रहा है? बहुत ही टेस्टी हो रहा है गाइस। मतलब इससे बेटर बर्गर तो आपको बाजार में भी नहीं मिलेगा, मैं आपको सच्ची बताऊं। नहीं, घर का बर्गर है ना बहुत टेस्टी है, मम्मी ने बहुत ही अच्छे से बनाया है। एंड गाइस आप लोग भी इसे ट्राई करिएगा, मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा सच्ची। मतलब अच्छा हो रहा है, मजा आ रहा है खाने में। वेरी डिलीशियस। होलीडे का आनंद ले रही हूँ मतलब। हाँ। चलो बढ़िया। और फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली मेंबर के साथ, फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।